पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ की, जिसमें हम जीओसी डिस्कस कर रहे हैं। जीओसी के अंदर भी मैंने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट पर वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन, और इस इफेक्ट को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट या बेकर एंड नेथन इफेक्ट। देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, किस तरह से ये ऑपरेट होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी क्या क्या मेन एप्लीकेशंस है, आइए सीखते हैं बच्चों। जब भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के पड़ोस में पॉजिटिवली चार्ज कार्बन या डबल बॉन्डेड कार्बन या फ्री रेडिकल कंटेनिंग कार्बन प्रेजेंट होता है, तो इस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के, जिसको मैं अल्फा कार्बन भी कहता हूँ, इसके सिग्मा CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए बीच में आ जाएंगे, तो ये बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसके जगह तो बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो H प्लस आ गया केवल, और सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी कि एक तरह का नो बॉन्ड रेजोनेंस है। इस रेजोनेंस में किसी भी टाइप का बॉन्ड नहीं है। या कई बार पूछा जाता है कि किस टाइप का रेजोनेंस है, तो बेटा ये सिग्मा और पी ऑर्बिटल के बीच का रेजोनेंस है, इसको हम सिग्मा पी रेजोनेंस भी कहते हैं। तो कहीं भी रेजोनेंस की बात आएगी या हाइपर कॉन्जुगेशन की बात आएगी, तो ये भी एक तरह का रेजोनेंस ही है। बस दो बातों का फर्क है, रेजोनेंस में जनरली पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर की मूवमेंट होती है, जबकि हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा कार्बन के सिग्मा CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। तो जो नॉर्मल रेजोनेंस होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट है, और ये जो रेजोनेंस है हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के कारण होता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 3 अल्फा H हैं, तो मैंने तो एक की स्ट्रक्चर बनाई, तो क्या ये वाला भी मूव कर सकता है और ये वाला भी मूव कर सकता है, यानी कि इसी तरह की दो स्ट्रक्चर्स और बनेगी, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कितनी हो जाएगी, 4। तो इसलिए अगर आपसे कभी पूछे कि हाइपर कंजुगेशन के कारण टोटल स्ट्रक्चर्स कितनी बनती हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन के नंबर +1 के बराबर बनती है। 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो टोटल स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, 4। लेकिन अगर मॉलिक्यूल देके पूछता है कि इस मॉलिक्यूल की कितनी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, तो फिर आंसर आपको 3 ही करना है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल को उस केस में काउंट नहीं करना। जैसे मान लो ये दे दे और क्या इसकी कितनी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगी, तो उस केस में आंसर क्या होगा, 3 ही होगा। आइए देखते हैं ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सा इफेक्ट इतना इजीली ऑपरेट कैसे करता है, इस ऑर्बिटल डायग्राम से आपको समझ में आएगा। आइए, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसके 3 लोब्स हैं, 4 लोब्स हैं, सॉरी, sp3 3 sp3 इसके सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ये रहे 1 2 3। इसने एक ऐसे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रखा है जो sp2 है, तो ये सिग्मा बॉन्ड चौथा इसने किससे बना लिया, कार्बन से। आप लोग जानते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन प्लेनर होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री में, तो क्या ये कार्बन की, ये देख लीजिए, ट्रायंगुलर प्लेनर फॉर्म में इसने अपने 3 बॉन्ड बना रखे हैं। इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है जो वैकेंट है, ये चाहे तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम है। तो होता क्या है, ये वाले इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं और बीच में आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो वही मैंने दिखाया है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इन दोनों के बीच में पार्टिसिपेट करवा के एक पाई बॉन्ड जनरेट कर देंगे, तो ये वाला H किसकी फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, H+ की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल होता है, इसको बहुत ध्यान से सुनना, क्या इसकी साइंटिफिक इसकी इंटरप्रिटेशन है। तो मैं ये डायग्राम बनाया, बड़ा इंटरेस्टिंग डायग्राम है, ध्यान से देखिएगा, जो जो चीज़ नोट करनी है आप देखिएगा। ये कार्बन है sp3, तो मैंने इसके चारों बॉन्ड टेट्राहेड्रली अरेंज किए हैं, 1 2 3 4। ये कार्बन है sp2 c2, इसके 3 बॉन्ड ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री में मैंने अरेंज किए हैं। तो जो ग्रीन पेन से टेट्राहेड्रॉन दिख रहा है वो तो c1 से रिलेटेड है, और जो ब्लू पेन से डॉटेड लाइन से ट्रायंगल दिख रहा है वो c2 से रिलेटेड है। अब ये ऑर्बिटल तो इसके परपेंडिकुलर है बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर, ये एंगल तो 90 डिग्री का ही है, लेकिन हमें पता है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का नहीं है, ये अराउंड 109.5 डिग्री का है। अब ऐसे मान लीजिए कि एक पी ऑर्बिटल तो यूं है और दूसरे वाला बिल्कुल 90 पे नहीं है, मान लीजिए थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेन है, 109 डिग्री पे थोड़ा टेढ़ा है, ऐसे मान लीजिए, यानी इनके बीच में ओवरलैपिंग की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। ओवरलैपिंग हमेशा किसके बीच में होती है, पाई बॉन्ड में, पैरेलल पी ऑर्बिटल्स के बीच में होती है। तो क्या होता है, देखिए आप लोग जानते हैं कि अगर ये मैंने वेज से शो किया तो आउट ऑफ प्लेन है, तो ये जो 3 बॉन्ड होते हैं, ये तीनों एच इस सिग्मा बॉन्ड के रेफरेंस में घूमते रहते हैं। आप लोग जानते हो सी सिंगल बॉन्ड, सी के अराउंड फ्री रोटेशन होता है, जानते हैं,
और फ्री रोटेशन में क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है ये ऐसे जैसे नट को घुमाते हैं इस तरह से घूमता रहता है। ये जो घूमने की फ्रीक्वेंसी होती है मेगा हर्ट्ज के अंदर होती है लगभग, यानी कि एक सेकंड में लगभग 10^6 बार ही घूमेगा। आप समझ सकते हैं इतनी बार घूमने से बहुत ऐसे मौके भी आएंगे जब ये दोनों एक दूसरे के एक ही लाइन में आ जाएंगे। जब एक ही लाइन में आ जाएंगे तो पाई बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। चाहे ये इफेक्ट, चाहे ये जो इंसिडेंट है ये कुछ माइक्रोसेकंड के लिए होगा मानता हूं, लेकिन पाई बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। इस कारण से ये हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट अराइज होता है। एक रिप्रेजेंटेशन से सिखाता हूं मैं आपको। मान लीजिए मैंने तीन ये लिए, छोटे छोटे स्केच पेन है मेरे पास, ये तीन स्केच पेन मैंने लिए और मैं sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को शो कर रहा हूं इस तरह से। एक बोन मैंने दिखाया, वो बोन है इस तरह से, इसको देखिए आराम से, ये कंडीशन है। इस कंडीशन को देखिए, इस कंडीशन में ऐसा कुछ, ये देखिए। तो ये तीनों 1 2 3, ये तो ये 1 2 3 है, ये सिंगल बोन है, ये वाला बोन है। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये तीनों इसके राउंड ऐसे घूमेंगे। और अगर पी ऑर्बिटल को भी मैं शो कर दूं ब्लैक इससे, ऐसा है पी ऑर्बिटल, तो क्या कभी कोई एच, कभी कोई एच और कभी कोई एच, तीनों कभी ना कभी इसके पैरेलल आ ही जाएंगे। जब ये घूमेगा ऐसे घूमेगा, कभी ब्लू वाला बॉन्ड बनाएगा, कभी ये येलो वाला बॉन्ड बनाएगा, कभी ये ब्राउन वाला बॉन्ड बनाएगा। यानी कि इस रोटेशन के कारण और इस फास्ट रोटेशन के कारण ये ऑर्बिटल इनके काफी हद तक पैरेलल आ जाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट तो मैं अभी भी नहीं कहूंगा, इसके कारण जो बोन अराइज होता है उस बोन को हम क्या बोलते हैं, उस बोन को हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। तो अगर ये इसके साथ अटैच हो गया तो एक डबल बोन बीच में आ जाएगा और एक बोन हटते ही क्या ये एल्कीन की नॉर्मल ज्योमेट्री नहीं आ रही है आपकी, एक एच यहां लग जाएगा और एक एच यहां लग जाएगा, तो वो ही बिल्कुल प्लेनर मॉलिक्यूल बन जाएगा जिस तरह से एल्कीन के अंदर होता है। तो हाइपर कंजुगेशन में हम क्या देखते हैं, sp3 कार्बन के साथ एटलीस्ट 1H होना चाहिए, इसके एडजेसेंट कार्बन के पास या तो पॉजिटिव चार्ज हो या अनपढ़ इलेक्ट्रॉन हो या डबल बॉन्ड हो, ये तीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंडीशंस होती है। इन तीनों कंडीशन पे कौन सा इफेक्ट लगता है, हाइपर कंजुगेशन। आइए कितने टाइप का लगता है इसकी बात करें हम। मैंने बोला हाइपर कंजुगेशन तीन टाइप का लगता है, या तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के पड़ोस में पॉजिटिवली चार्ज कार्बन हो या इसके पड़ोस में फ्री इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग हो और या डबल बॉन्ड हो। तो मैं कह रहा हूं इसके पड़ोस में C+ होगा, बस एक बार मैं एक ही एच शो कर रहा हूं, या इसके पड़ोस में C- होगा और या इसके पड़ोस में C" होगा। इन कंडीशन में, इन तीन कंडीशन में इस वाले एच के इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, इस वाले एच के इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, इस वाले एच के इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां मूव करेंगे, आगे। तो इस इफेक्ट के कारण जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाले हैं वो मैं आपको बना के दे रहा हूं कि ये दो बॉन्ड तो खाली H+ और ये कंडीशन हो गई आपकी, दो बॉन्ड तो दिखाई दीजिए ऐसे। अगर रेडिकल के अंदर आएगा तो क्या होगा, रेडिकल हमेशा रेडिकल को जनरेट करता है आप जानते ही हो, तो डबल बॉन्ड के साथ में H के साथ क्या लग जाएगा, डॉट लग जाएगा। और अगर डबल बॉन्ड के साथ करेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेंगे, तो दो बॉन्ड के साथ में सिंगल बॉन्ड। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गए हैं, अब ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज के साथ और ये H+ की फॉर्म में, तो ये कार्बोनियम आयन के कारण होने वाला हाइपर कंजुगेशन है, ये रेडिकल का हाइपर कंजुगेशन है और ये डबल बॉन्ड के कारण होने वाला हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है। इस तरह से हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम में लगता है, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम में कभी भी हाइपर कंजुगेशन नहीं लगता। और अगर वो अराइज होता भी है तो उसको हम प्लस हाइपर कंजुगेशन ना कह के क्या बोलते हैं, -H या माइनस हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। उसके बाद में थोड़ा लेट करूंगा मैं आपसे। अब हम बात करते हैं इस हाइपर कंजुगेशन के कारण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस आते हैं मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज में, उसकी हम बात करते हैं। क्या क्या चेंजेस आते हैं उसकी हम बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेटे एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कंजुगेशन, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन को एच इफेक्ट भी कहा जाता है, एच इफेक्ट भी कहा जाता है। और मैंने बोल दिया इसको सिग्मा पी रेजोनेंस बोल सकते हो, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोल सकते हो, या इसको साइंटिस्टों के नाम के बेस पर बेकर नेथन इफेक्ट भी बोल सकते हो। तो हाइपर कंजुगेशन के कई सारे नाम हो गए,
इसको हम हाइपर कंजुगेशन, सिग्मा पी रेजोनेंस, नो बोन रेजोनेंस या नेथन बेकर या बेकर नेथन इफेक्ट भी कहते हैं। आइए इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं कि हाइपर कंजुगेशन से क्या क्या चीजें चेंज हो जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबसे पहले मैं बताऊंगा सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट के बारे में, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट एप्लीकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जितना ज्यादा हाइपर जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एल्कीन में प्रेजेंट होंगे उतना ही ज्यादा एच इफेक्ट बढ़ेगा, जितना ज्यादा एच इफेक्ट बढ़ेगा उस एल्कीन की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी, उस एल्कीन की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे कि अगर मैं आपको ये कहूं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो डबल बॉन्ड के साथ वाला अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास लगे हुए, ये इसके पास तीन अल्फा हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अगर इसकी कंपैरेटिवली मैं इथीन को कंपेयर करूंगा, इथीन में तो कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो यहाँ पर जीरो अल्फा हाइड्रोजन है, तो हम क्या बोलेंगे कि प्रोपीन की जो स्टेबिलिटी है वो एल्कीन की स्टेबिलिटी से क्या होगी, ज़्यादा होगी। किसी भी एल्कीन की स्टेबिलिटी को एक्सपेरिमेंटली बताने के लिए हमारे पास दो एनर्जीज होती हैं, एक को बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और एक को बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन। जिस एल्कीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या हीट ऑफ कंबशन की वैल्यूज कम आती हैं उस एल्कीन की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा मानी जाती है। दोबारा देख सुनिए, किसी भी एल्कीन की स्टेबिलिटी को बताने का क्राइटेरिया है हमारे पास दो क्राइटेरिया से एक्सपेरिमेंटली बता सकते हैं, एक को बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन बच्चों, एक को बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस एल्कीन की हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जितनी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। वही बात इसके लिए भी है, किसी भी एल्कीन की हीट ऑफ कंबशन जितनी कम होगी उस एल्कीन की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी, यानी कि ये दोनों हीट स्टेबिलिटी के उल्टे ऑर्डर में होती है। हालांकि ये दोनों एनर्जीज नेगेटिव होती हैं, आप जानते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइड्रोजनेशन भी एक्सोथर्मिक होता है और उनका कंबशन भी नेचुरल सी बात है एक्सोथर्मिक होता है, तो आपने साइन के चक्कर में नहीं पड़ना बच्चों, आपने केवल वैल्यू देखनी है। जिसकी वैल्यू कम उसको मैं कम बोल रहा हूं और जिसकी वैल्यू उसको ज्यादा उसको मैं ज्यादा बोल रहा हूं, तो इस बेस पर मैं तय करूंगा कि कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है और कौन सी एल्कीन कम स्टेबल है। एक एग्जांपल देके मजा आएगा आपको। मान लीजिए मैंने आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 इथीन का हाइड्रोजिनेशन किया, इससे क्या हुआ, एक एच यहां लग गया और एक एच यहां लग गया। इस पूरी प्रोसेस में जो एनर्जी का ट्रांजेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, और एल्कीन के केस में ये वैल्यू आती है -124 किलो जूल पर मोल। एल्कीन के केस में वैल्यू आती है -124 किलो जूल पर मोल। आप लोग जानते ही हैं किसी भी रिएक्शन की डेल्टा एच क्या होती है, समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि इस रिएक्टेंट साइड के सारे बॉन्ड तोड़ने की जो भी एनर्जी लगेगी और प्रोडक्ट साइड के सारे बॉन्ड तोड़ने कि जो भी एनर्जी लगेगी, इनका जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। अगर मैं कैलकुलेट करूं, ध्यान दीजिएगा यहां पर आपको क्या क्या बॉन्ड ब्रेक करने हैं, यहां पर आपको एक तो सी डबल बॉन्ड सी ब्रेक करना है, प्लस चार आपको CH बॉन्ड ब्रेक करने, चार आपको CH बॉन्ड ब्रेक करने, प्लस एक आपको HH का बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है, तो तीन टाइप के बॉन्ड आपको रिएक्टेंट साइड में ब्रेक करना है। उधर आ जाए प्रोडक्ट की साइड में, प्रोडक्ट की साइड में आपको एक तो CC बॉन्ड ब्रेक करना है और 6 CH बॉन्ड ब्रेक करना है। क्या मैं सही कह रहा हूं, एक तो CC बॉन्ड ब्रेक करना है और 3 CH ये रहे और 3 CH ये रहे, टोटल कितने CH बॉन्ड ब्रेक करने हैं, 6। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं, अगर मैं इन सब बॉन्ड्स की एनर्जी डाल के इनकी कैलकुलेशन करूं, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि 4 CH बॉन्ड अगर प्लस करने हैं और बाद में माइनस करने हैं, तो एक तरह से मैं क्या करूंगा, 2 CH बॉन्ड उधर प्लस कर दूंगा और यहां CH बॉन्ड को काउंट नहीं करूंगा। तो लेफ्ट साइड में क्या क्या है, एक CC बॉन्ड की एनर्जी प्लस एक HH बॉन्ड की एनर्जी, और राइट साइड में क्या है, एक CC सिंगल बॉन्ड सी की एनर्जी और दो सिंगल बॉन्ड HC सिंगल बॉन्ड H की एनर्जी। इनका जो डिफरेंस आता है वो हमेशा किसमें आता है, माइनस में ही आता है। अगर मैं वैल्यूज पुट करूं, अगर मैं इनकी वैल्यूज पुट करूं तो क्या है, देखिए अगर मैं इनकी वैल्यूज पुट करूं तो मैंने क्या बोला, अगर इस रिएक्शन की मुझे डेल्टा एच निकालनी है तो सी डबल बॉन्ड सी प्लस एच डबल एच सिंगल एच की एनर्जी में से मुझे माइनस करनी है क्या, एक सी सिंगल बॉन्ड सी की एनर्जी और दो
सी एच बॉन्ड की एनर्जी, इनका अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए थोड़ा बहुत ध्यान है। अगर मैं बात करूँ सी डबल बॉन्ड सी की एनर्जी की, तो सी डबल बॉन्ड सी की जो एनर्जी होती है वो अराउंड 614 किलो जूल होती है। एच एच बॉन्ड की एनर्जी होती है 3436 माइनस सी सी बॉन्ड की एनर्जी होती है 348 के आसपास, और सी एच बॉन्ड की एनर्जी होती है 2 × 413। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूँ तो ये 1050 किलो जूल बनती है, और अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूँ तो ये बन जाती है 1174 के करीब, आप जोड़ेंगे तो नेट आंसर मेरा कितना आता है, नेट आंसर मेरा आता है -124। तो एल्कीन की या इथीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आपने देखा किसमें आ रही है, माइनस में आ रही है। अब मेरे पास ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होता जाएगा, लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूं, क्या उसकी बॉन्ड्स ज्यादा स्ट्रेंथफुल होते जाएंगे, और अगर बॉन्ड उसके ज्यादा स्ट्रेंथफुल होते जाएंगे तो उनकी बॉन्ड एनर्जीज भी एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा आएगी, और अगर रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा आ रही है या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उसकी ज्यादा आ रही है, यानी कि ज्यादा वैल्यू में से अगर हम उस चीज को घटाएंगे तो नेट आंसर अगर नेगेटिव में भी आना है तो बोलो लेस नेगेटिव आएगा कि मोर नेगेटिव आएगा, आंसर आएगा लेस नेगेटिव। एग्जाम्पल देता हूं, मान लो आपको 10 में से 14 माइनस करना है तो आंसर आया -4। अब रिएक्टेंट की बॉन्ड अगर स्ट्रेंथफुल हो जाएंगे तो ये एनर्जी थोड़ी बढ़ जाएगी, तो उस केस में मान लो 12-14 कर दूं रिएक्टेंट चेंज करता ही, तो क्या ये आंसर -2 नहीं आया, यानी कि वैल्यू को देखो बस साइन को मत देखो, ये वैल्यू किसके लिए कम है, जो रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, और हाइपर कंजुगेशन के कारण क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ती है इसलिए मैं कह रहा हूं जितना रिएक्टेंट स्टेबल होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, जितनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी ये डिफरेंस क्या होगा, कम होगा, यानी कि HOH और HOC का भी यही कॉन्सेप्ट है, HOC दोनों की वैल्यूज बढ़ती है अगर केवल मोड ले रहा हूं तो स्टेबिलिटी क्या होती है, घटती है। आइए मैं वैल्यू से ही आपको सिखाता हूं। अगर मैं आपको ये पूछूं कि इन एल्कीन को स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, अगर मैं आपसे इनकी वैल्यूज पूछूं, सपोज मैं कहता हूं आपको एक है 1-butene, एक है 2-butene, अब 2-butene में भी सिस भी हो सकती है और 2-butene ट्रांस भी हो सकती है, मान लीजिए मैं इन तीनों की बात करूं, अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो मैं इनकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज की बात करूं, या चलो पहले अपने आंसर निकालते हैं इसका, ये रहा अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन, ये रहे दो डबल बॉन्ड के साथ वाले अल्फा कार्बन, ये रहे अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन को पहचानने में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी, मैंने क्या बोला दोबारा देखिए, सी प्लस के साथ वाला कार्बन अल्फा हो सकता है, सी डॉट के साथ वाला कार्बन अल्फा होता है, और सी डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन भी क्या होता है अल्फा, तो ये रहा डबल बॉन्ड, ये इसके साथ वाला कार्बन अल्फा, डबल बॉन्ड के साथ ये भी है और ये भी है, दो अल्फा कार्बन है, दो अल्फा कार्बन है, और जब भी ये CH3 है और ये CH2 है और ये CH2 है तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, दो, ये CH3 है और ये CH3 है तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, सिक्स, ये CH3 है ये CH3 है, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, सिक्स। तो मैंने देखा कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स में अल्फा हाइड्रोजन का नंबर 2-6-6 है, तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने बोला स्टेबिलिटी जो होती है वो अल्फा हाइड्रोजन के नंबर बढ़ने से बढ़ती है, तो मुझे पता लग गया कि ट्रांस 2-butene इज मोर स्टेबल देन सिस 2-butene और सिस 2-butene इज मोर स्टेबल देन 1-butene। अगर मैं इसकी डेटा दूं आपको तो जहां तक डेल्टा एच हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का सवाल है, ये आती है -30 किलो कैलोरी, ये आती है -28.4 किलो कैलोरी, ये आती है -27.4 किलो कैलोरी, इस तरह से हम इनकी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं बच्चों, इनकी स्टेबिलिटी को हम कंपेयर करते हैं, इस तरह से हम इनकी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, यानी कि मैंने बोला HOH की वैल्यू इधर क्या हो रही है, घट रही है, इधर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसलिए स्टेबिलिटी लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इस तरह से हम इनके बारे में सीख सकते हैं। एल्कीन की स्टेबिलिटी के बारे में एक एक्सक्लूसिव क्वेश्चन भी हमारे पास में है, और उस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हीट ऑफ कंबशन या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फेवर करती है आइसोब्यूटीन को। तो आइए मैं आपको कंबशन एंथैल्पी के बारे में भी एक डेटा आपसे शेयर करता हूँ, कंबशन एंथैल्पी के बारे में भी एक डेटा मैं आपसे शेयर करता हूँ, ध्यान से सुनेगा, मैंने अभी बोला
जितना हीट ऑफ कंबशन एच या हीट ऑफ कंबशन कम होगा, एल्कीन की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस रेफरेंस में एक एक्सेप्शन है हमारे पास में, जैसे अगर मैं चारों को इंक्लूड कर लूं तो ये वन ब्यूटीन है, ये टू ब्यूटीन का सिस वर्जन है, ये टू ब्यूटीन का ट्रांस वर्जन है, एक और एल्कीन है जो गलतियां करवाती है वो ये है। तो ये है वन ब्यूटीन, ये है टू ब्यूटीन सिस, ये है टू ब्यूटीन ट्रांस, और ये है बेटे बहुत इंपॉर्टेंट आइसोब्यूटाइलिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। जब इनकी कंबस्टन एंथैल्पी को देखा गया तो ये वैल्यू आई -2720 किलो जूल पर मोल, ये आई -2710 किलो जूल पर मोल, ये वाले आई 2707 किलो जूल पर मोल, और जबकि ये वैल्यू आई 2700 किलो जूल पर मोल। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है, ये तीन डेटा तो मैच कर रहे हैं आपके लो से, जैसे कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का डेटा था यू जाने पे घट रहा था तो स्टेबिलिटी यू जाने पे बढ़ रही थी, सही बात है, ये डेटा भी घट रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही, यहां तक तो ठीक है। तो हमें पता है कि वन ब्यूटीन के पास एच अल्फा एच कम है तो कम स्टेबल है, और इन दोनों में भी ये क्यों कम स्टेबल होती है, ज्यादा क्यों होती है, पता होगा आपको ट्रांस के अंदर दोनों का मिथाइल ग्रुप ऑपोजिट होते हैं, जबकि सिस में दोनों एक ही तरफ होते हैं, जब एल्काइल ग्रुप एक ही तरफ होते हैं तो इनके बीच में वैन डेर वाल्स रिपल्शन काम करता है, उसके कारण इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, जबकि ट्रांस होते ही ये दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ने से रिपल्शन फोर्स कम हो जाता है, इस कारण से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इन तीनों को तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, अब मैं इसकी बात करूं तो आप देखेंगे कि इसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन थे, इसके पास भी छह थे, इसके पास भी छह थे, और इसके पास भी कितने अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, छह अल्फा हाइड्रोजन है, फिर भी इसकी जो स्टेबिलिटी है वो ट्रांस टू ब्यूटीन की कंपैरेटिवली क्या है, ज्यादा है। तो आइसोब्यूटिलिन इज मोर स्टेबल देन ट्रांस टू ब्यूटीन, बड़ा एक्सक्लूसिव सा क्वेश्चन है, अगर ये पढ़ा नहीं होता बच्चों का तो ये मोस्टली बच्चे गलत करके आते हैं इसको, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं ऐसा क्यों है कि ट्रांस टू ब्यूटीन की तुलना में जो आइसोब्यूटाइलिन है वो ज्यादा स्टेबल कैसे है, आइए हम इसकी बात करते हैं थोड़ी सी। अगर मैं बात करता हूं ट्रांस टू ब्यूटीन की तो मैं सीधा ही इसकी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आप देख लीजिए ट्रांस टू ब्यूटीन है, ये मॉलिक्यूल क्या है, ट्रांस टू ब्यूटीन है, और ये मॉलिक्यूल इसकी भी मैं वैसी स्ट्रक्चर ही बनाऊंगा, इस सी एस थ्री को मैंने एज इट इज रखा है, और ये है आइसोब्यूटाइलिन, इसको बोला जाता है आइसोब्यूटाइलिन। अब मेरे पास ध्यान से सुनिएगा, हम जानते हैं कि ये वाला एच अपने इलेक्ट्रॉन जब यहां लाएगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इससे जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ये बनेगी सी एच, ये एच तो चला गया प्लस सी एस टू वाला, सी एस टू प्लस सॉरी सी एस टू डबल बॉन्ड सी, ऐसे बनाओ सी एस टू सी एच है ना, तो डबल बॉन्ड सी एच प्लस, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर गए तो ये नेगेटिव चार्ज, और अगर मैं इसके बनाता हूं हाइपर कंजुगेशन की स्ट्रक्चर तो इसी तरह की मूवमेंट करता हूं सी एस टू सी सी एस थ्री, यहां आ गया बच्चों डबल बॉन्ड, यहां सी एस टू के ऊपर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है, दो तरह से करते हैं, इस एल्कीन, ये जो एल्कीन है ये एल्कीन है मोनो सब्स्टिट्यूटेड, कैसे, डबल बॉन्डेड कार्बन, एक तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन और एक ये डबल बॉन्डेड कार्बन, जब भी डबल बॉन्डेड कार्बन पर एच लगा होता है हम बोलते हैं अनसब्स्टिट्यूटेड है, यानी कि इस पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ, तो ना तो इस पर कोई सब्स्टिट्यूएंट है, इस कारण पर यहां एक तो नहीं है लेकिन एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं, एक है, जबकि इधर देखो इधर एक भी नहीं है, जबकि इस कार्बन के साथ एक ये रहा और एक ये रहा, कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसके पास दो दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, जिस एल्कीन के पास सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होते हैं उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, अगर ये कार्ब एनायन है तो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी कौन से ग्रुप बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले की इलेक्ट्रॉन देने वाले, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करने वाले, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, तो इसके पास तो
इस कार्बन के पास तो आपका ग्रुप लगा हुआ है ये CH3 लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है और नो डाउट ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। तो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोनेटिंग लगा हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा हुआ है, जबकि इसके पास में जो ग्रुप लगा हुआ है एक ही है पहली बात तो, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो बताइए ये कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा या ये कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा? इस कार्बन आयन पर इलेक्ट्रॉन देने वाला भी और खींचने वाला भी है, और इस कार्बन आयन पर केवल खींचने वाला है, तो जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई कि आइसोब्यूटाइलिन की एंथैल्पी ऑफ कंबशन कम होती है किसके कंपैरेटिवली, ट्रांस टू ब्यूटीन की कंपैरेटिवली, इसलिए आइसोब्यूटाइलिन इज मोर स्टेबल देन ट्रांस टू ब्यूटीन, इस तरह से हम उसको समझ सकते हैं।